हम निरंतर प्रयासरत हैं, सरकार अपने बजट में सुविधा अनुसार उसको बढ़ा रही है लगातार, और हमने बार बार कहा है कि हम उस टारगेट तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन एक मुश्किल बात होगी, टारगेट एक मुश्त तक अगर हम एक मुश्त सरकार हमारी होती तो एक मुश्त ही बढ़ाते। अब हम सहयोगी हैं, सहयोगी के नाते जो मिनिमम प्रोग्राम है उसके मुताबिक ही फैसले होते हैं। मैंने कहा ना कि मैंने पूरा बजट ना सुना है ना देखा है, उस पर प्रतिक्रिया तो तभी दूं जब मुझे पूरे की ज्ञान चाकारी हो। कल आपके भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने उसके लिए हाउस माफी तो मांगी है, हैं? जब मौका मिलेगा तब देखेंगे ना। बेबुनियाद बात की, इसी वजह से तो वो हाउस से बाहर बैठे हैं आज। मुझे ये बताओ कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की जमीन है, उसके बीच दूसरी तरफ फॉरेस्ट लैंड है, वहाँ किस कंपनी की जमीन हो सकती है? और फिर वो कह रहे थे एफिडेविट देऊंगा, कहाँ है वो एफिडेविट? दे ना, हाउस को गुमराह करते हैं, प्रदेश के लोगों को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। जी, सरकार का पैसा चाहे वो MPLAD का है चाहे MLLAD का है, ई टेंडरिंग के थ्रू ही खर्च होता है। पहले सरपंच साहिबान उसको खर्च करके तो देखें, 1100 करोड़ रुपया पंचायतों को सरकार ने दिया है, वो पैसा खर्च करें, अगर उसमें कोई कमी रहेगी तो उससे मिल बैठ करके दूर किया जाएगा। और मैं तो खुद चाहता हूँ कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और इसको बढ़ाए। वो तो आप उन्हीं से पूछे तो ज़्यादा बेहतर है। हम तो कांग्रेस के विरोध में पैदा हुए थे, विरोध में हैं और विरोध में रहेंगे। ये फैसला उन्होंने ही करना है, वो अपना निर्णय क्या करें उनका काम है। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।